ना हौले लागत है जवान लंडन के जैसे। आय का सुन तब बिजली वाली घर तक पूरे गांव की लाइट काटे की कोशिश की ने तो समझ ली ने मैं तो जिंदगी के तार काट दई हूँ। न सोचे कि मैं बुढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा आ गए हूँ, आज भी मोए अंदर वह जवानी है दुई लंडन का उठा के पटक सका तू समझ ली ने। अविश्वास हो तो ये ननकू से पूछ ले अब। ये लो नोटिस और दीवार में जाके चिपका दो। नोटिस अब कहा का नोटिस, लोग चोरी की बत्ती जलाते हो ना उसका नोटिस है ये। साहब नहीं जलाते चोरी ओरी की बत्ती हम। क्या नहीं जलाते? ऐसा नहीं जलावत है लेकिन कबहू जलावत है, से हमसे कोई मतलब नहीं है। ये 1,00,000 रुपए का नोटिस है, आप ये दीवार पे चिपकाइए। सर बताइए आप सब लोग गवाही हैं, हमने जो है तो इनके घर में कटिया पकड़ी है। 1,00,000 रुपए का नोटिस है ये, ये बिजली के भुगतान भरे दे रही हैं तो कुछ नहीं होगा, और अगर इन्होंने बिजली का भुगतान नहीं भरा तो इनको जो है तो सीधा जेल होगी। ठीक है ठीक है जय साहब, ये नोटिस ले जा करके दीवार में चिपका दो जाओ। नहीं साहब अपने ही आदमी है, काहे खातिर इतना जुल्म कर रहे हो तुम? कार की चोरी की बत्ती जलाना वो लोग जुल्म नहीं कर रहे हैं, जो है तो 1,00,000 रुपए का नोटिस दे रहा हूँ इन लोगों को तो मैं जुल्म कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। अब सरासर अन्याय आया, जीवन भर की कमाई तुम इन्हीं से कमा ली है का? हो यार तुम इस गांव के हो तो ये ना करो कि तुम इस गांव को बचा ले जाओगे। साहब फिर भी माना करा कोनो बात का, तू मोर परम मित्र है। साहब तुम्हारे ननकू को मैं परम मित्र हूँ और तुम जो हो तो बताओ इनका ना करता हूँ। अरे मान के चला 10,000 का 5,000 रुपया तक का नोटिस दे दिया, तुम सीधा 1,00,000 रुपया का नोटिस पहले देते हो। बिजली भी तो खूब जलाई है, रात दिन बराबर जलाते रहे होगे। हाँ साहब रात दिन बराबर तो जलावत रहे हैं। तो देखो अपने आप सच्चाई बाहर आने लगी तो साहब हो गया है, अब जलाया सो जलाया क्या करेंगे, गलती हो गई उन लोगों से। उनके घर में मीटर लगा है कि नहीं लगा पहले आप ये बताइए। मीटर जब बंद पड़ा है मीटर को हारी मार रहा है कि मैं बंद हूँ थोड़ो ना है कि आप चोरी की बत्ती जलाएंगे। साहब फिर बहुत होगा गर्मी मानी मर जात का हम। कौन कह रहा है कि आप गर्मी में मरिए? अरे ये लक्ष्य कि मीटर से सीधा लाइट जलनी चाहिए बस। तो साहब मोल लड़का 25-30 बार कंप्लेन कर चुका है, जब नहीं तुम्हारे डिपार्टमेंट के का कहा थे मीटर बदलाते आया के, तो हम तो कहूँ ना कहूँ से जुगाड़ चला भाई कर भे। अब फिर जुगाड़ का सजा भोगो अब तो 1,00,000 रुपए। तो पवन काका बताइए आप, नहीं बात तो सही आ बिटिया, देखा तुम जो है तो चोरी की बत्ती जलाई है तो तुम्हें पैसा तो भरे का परवाही करी। अच्छा हम चोरी की बत्ती जलावन तो हम चोर हुई गए, तुम जो है तो अपाए घरन मानी फ्री की बत्ती जलाओ तो तब तुम हाँ का हुई? तुम्हें हमसे क्या मतलब है, हम विभाग के आदमी है, चाहे चोरी की जलाए चाहे साहूकार की तुमसे क्या मतलब है आखिर? अच्छा हमसे कोनो मतलब नहीं है, चोरी करा तो तुम चोरी कौन करत हो, तुम साहूकार क्या करत हो, हम चोरी करन तो हमार चोरी हुई है। डिपार्टमेंट के आदमी है तो यह है कि तुम मनमानी करिए डिपार्टमेंट मानी, चोरी की बत्ती तुम्हें जला यहाँ पाए घरन मानी। डिपार्टमेंट के आदमी बात के पहले तुम एक नॉर्मल इंसान हो, पाए आपका भगवान न समझ लो करा भला, बड़े बड़े अधिकारी बन जाए या कुछ हुई जावा तो। कैसे बात कर रही हो, थोड़ा कायदे से बात करो। यही साहब है वो, यही साहब हुई है तो अपने घर के लाने हुई है, हमारे लाने ही सिर्फ सर्वेंट आए। ज्यादा ना बोलो तुम जी, कहाँ कहा थी शांत रहो बिजली वाले आऊंगी। क्या कहा थी अम्मा ताए? ऐसा है साहब या नोटिस अगर तुम यहाँ लगाई है दीवार मानी तो मैं फाड़ के उचेल के मेक दई, नोटिस जो हो तो ले जाओ यहाँ से और चुपचाप मोहे घर का मीटर लगावा आके। देखो ऐसा है यार छोटू, मुझे मजबूर मत करो भला, अगर मैं अपने में आ गया तो तुम लोगों को अभी खड़े खड़े जेल भेज सकता हूँ। अरे साहब तुम्हें कसम से अब वह बातें करे लगा था या नहीं कि शांत रात थोड़ी देर के लाने, चलो तुम पहले मोहे साथ चला बाहर, चला रहो घर रोड के बाहर निकला। यार तुम बड़ा यार इन लोगों की तरफदारी कर रहा हो, आखिर तुम्हारे रिश्तेदार है क्या ये? आज समझ लिया साहब रिश्तेदारी यार मो व्यवहारी या मो व्यवहारी का घर है तो मैं थोड़ी बहुत तो व्यवहार निभा भाई करी हूँ। ठीक है तुम व्यवहार निभाओ, 50,000 तुम भर दो, 50,000 ये भर दे। ठीक है साहब मैं भर दे 50,000, तुम पहले बाहर चला लवा जा इनका लवा जा। वो भैया मैं लवा जाते तुम शांत ठहर रहा बस, और अम्मा से कहा कुछ ना बोले, अम्मा कुछ ना बोलता है शांत ठहर रहो। तुम बड़े मालिक बने हो ननकू, अभी यार तुम्हारी वजह से हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और तुम जो है तो यहाँ क्या बताएं अब तुम्हें। अब तुम और बात माना था कि नहीं मानते, चला पहले बाहर चला। चला साहब जब ननकू कहा था कि बाहर चलो तो फिर बाहर चली आवा। ठीक है चलो चला चला। वाह भैया तुम चिंता ना करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे घर का कुछ ना हुई भला। दादू इनका थोड़ी समझा दी ने कि उनके घर का मीटर खराब है और तुम जो है तो यहाँ महीना मीटर खराब है, यहाँ महीना में चोरी की बत्ती जलाए हो, जो है तो मुझे साल भर का बिजली का बिल ना मांगा कही जा, तो मोर मीटर चेक कर लिया, मोर बिल चेक कर लिया कही दे। बाकी तुम चिंता ना करा मैं हूँ, जब तक तुम्हारा कुछ ना हुई परेशान ना हुआ। ननकू आए साहब आओ तो कहो अम्मा ननकू आ रहो है, नहीं तो वह 1,00,000 का नोटिस लगा जात जय साहब का भरे का पड़ जात। अरे इनके ऐसी तैसी जो 1,00,000 के नोटिस लगा जात घर में, 20 दिन से कहा तो कहा हुई इनका कि भैया हमार मीटर बदल दिया, भैया हमार मीटर बदल दिया, नहीं सुनते तो का कीन जाए, ऐसी सड़ी गर्मी पड़ा थी को गर्मी में मरी, बताओ जरा भला बदल सब वाली तही बता। या भाजी बहु खतरनाक गर्मी यहाँ पड़ा थी या बार के, अब ऐसे बवाल क्या होगा है, अब ऐसी तैसी मजा सब कुछ। मैं अम्मा से कहा तू चाय के है चाय जान दे, ननकू तो रहा है हमें बज गान अब तक लगा कटिया जा, इधर से हुई गर्मी में ठाड़े जा कटिया लगाता है, देखा तू को आवत है ली पकड़े, हमारा ननकू है हमारे साथ तो जाता ही हूँ कटिया लगा हुए, जा तू दादू है अजा मजा दादू मैं जाती हूँ घरे फिर काकी जा।
बताओ क्या बात है, तुमने उनके घर से हमको बाहर क्यों निकाला? अच्छा खासा मैं ये नोटिस चिपकाने जा रहा था, अब ये नोटिस किसके घर चिपकाऊं बताओ तुम? अब ये नोटिस मुझे दिया थोड़ी, ठीक है ये लो। नोटिस का क्या करेगा है, क्या करना है इस नोटिस का बताओ? ननकू ये क्या की नेता है, ये क्या किया तुमने? नोटिस खा गए तुम तो साहब? अरे तो साहब यह बता हुआ तुम यह नोटिस का क्या करते बता हुआ जरा, क्या चिपकाते वह घर से तुम कलवा ला? तो कहते हो कि अम्मा यह नोटिस के क्या चिपकाऊं तो मैं खा गया। बिजली बालन का भी चैन नहीं है, इतनी गर्मी में नहीं पता नहीं कहा करे आए हैं। कोनों के घर के लाइट आवा थी, कोनों के मीटर खराब है, सब बेचारे परेशान है, तो कटिया ना जलाई है। आ जाते चेकिंग करे मुंह उठा के। है बाबा बाबा वाय काका का हुईगा तुम्हारे घर के बिजली खराबी का? औ नहीं तो का दादू, मोए घर के बिजली खराबी तबे तो मैं कटिया फांसे हूँ, पता नहीं मीटर का हुईगा है। मतलब पूरा गांव कटिया जला रहा है, इनका बिजली वाले हैं का? हाँ हम बिजली वाले हैं, इनका है। भाग टर्रा भाग, गांव वाले का बता दे कि बिजली वाले आ गए हैं गांव मानी, अपन अपन कटिया हटा ले। हे लड़के रुको रुको साहब, श्यामू बताओ साहब, यह पूरा गांव बिजलिया जला हुआ था कटिया से, पूरे गांव को सीज किया जाए, यहां पे चोरी की लाइट जलाते हैं ये पूरे गांव वाले। हाँ तो जलावत है तो का करिए, गांव सीज कर दिए। हाँ मैं पूरा का पूरा गांव उठा के सीज कर दूंगा, इस गांव में कभी लाइट नहीं आएगी। डंडा देखा था ना मोर? ये डंडा से का करियो तुम? छे अच्छिन के ऊपर यहाँ डंडा बरसा है मोर, इतना मरियो कुछ कहाँ का नहीं। बुढ़ाऊ तम उ मरिये ऐसा है, हमारे पुराने नन्ना काका खातिर बुढ़ाऊ नकाया तो उनका खून ना खौले लागत है जवान लंडन के जैसे। आय का सुन त बिजली वाले, घर त पूरे गांव की लाइट काटे की कोशिश की ने तो समझ लीने मैं तो जिंदगी के तार काट दई हूँ। न सोचे कि मैं बुढ़ा हूँ, मैं बुढ़ा गए हूँ, आज भी मोए अंदर वह जवानी है, दुई लंडन का उठा के पटक सका तू समझ लीने। अब विश्वास हो तो ये ननकू से पूछ ले पाए। तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मैं सरकार से कह के इस गांव की पूरी सप्लाई बंद कर दूंगा लाइट की, देखते जाना तुम। करवा बंद था लाइट तब बंद करवा, देख मैं तुका बतावो तू, लाइट बंद करवावे का नतीजा सारे तुही नौकरी से हटवा देंगे। काका यहाँ पे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ मैं इनको संभाल लूंगा, तुम जाओ। इनका समझा दीने कि कायदे में रहे, या गांव मानी सब एक से बढ़कर एक हवे, दो मिनट में इसकी नौकरी चली जाएगी, दो मिनट में। जा बुड्ढे तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, नौकरी छुड़वाओ वाला। तो सर आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं? ए जेई साहब मैं अब आपको क्या बताऊं, इतने बुजुर्ग हैं कि कुछ कहा नहीं जाता इनको, मेरी नज़र में मुझे लगता है ये 100 साल के ऊपर है। हाँ साहब तुम सही कहा था, ये 100 साल के ऊपर है, अब बताओ इनके ऊपर कोनो हाथ छोड़ी भला, उनके सामने ठाड़ हो जाई है ना तो अगले केस ऐसी हो जाए। हम आज जेई साहब ने जो समझाते आए, उनको ये बताओ तुम हमारे साथ हो कि इन गांव वालों के साथ हो? खो साहब सब अपने हैं, ये गांव वाले भी अपने हैं, आप भी अपने हैं, यहाँ पे प्रेम मोहब्बत से रहो और प्रेम मोहब्बत से सबकी क्या कहते हैं लाइन काटो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप अकड़ के असीना तान के सब कुछ करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई कुछ करने नहीं देगा, माना करिए मेरी बात। कह रहे हैं पुराने नन्ना की आवाज में आज भी वही दम है चिल्लाने पे, इसलिए कह रहे हैं थोड़ी सी संभल के काम करिए यहाँ पे। ठीक है खैर मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा इस गांव का, लेकिन जो है तो या तो इस गांव में सबके घर में मीटर लगेंगे या तो क्या कहते हैं सबके घर के कनेक्शन कटेंगे, और देखो इस गांव में सबके तो बारी बारी कनेक्शन है ही है, लेकिन सब लोगों के मीटर है खराब है, तो इसका मतलब हमें सबके घरों में मीटर लगवाना पड़ेगा। हाँ तो यह बात भी कौन हो तुम, जो हो तो घर घर में मीटर लगवा हुआ तुम्हें बिल मिली, तुम्हें जो हो तो पूरी रीडिंग मिली, तुम जो हो तो मीटर लगवाते नहीं हो, आज से कम 2 महीना हो चुके यहाँ गाँव के सबके मीटर खराब, तो बेचारे सब जने कटिया न जलाई है, मैं तो आओ ना चाहिए, तुम्हें जब आओ चाहिए जब सबन के घर में मीटर लग जाओ चाहिए। गांव बहुत शुद्ध है, यहाँ पे कोई चोरी चकारी नहीं करता है, लेकिन साहब तुम समझते नहीं हो, अब गर्मी मानी अगर कोनो मरी तो का मतलब रहा है, लाइट जाके कलाने लागी, पखा इस्तेमाल ना हुई तो वो आपका उचित पैसा है वो दिया जाएगा, ये पूरा गांव मिलकर भर देंगे, परेशान मत होइए, लेकिन आप पहले मीटर लगवाने की कोशिश कीजिए। समझो काका की बातें, सही कह रहे हैं काका, पहले पूरे घर में मीटर लगवाइए साहब आप, उसके बाद जो है तो यहाँ बिल और रीडिंग देखिएगा अपनी, नहीं तो इस तरह में बवाल हो जाएगा। ठीक है मैं अभी बात करता हूँ, कल तक मीटर आ जाएंगे, कल ही आपके घरों में मीटर लग जाएंगे। ठीक है साहब, ठीक है भैया बहनी यारा, तुम्हें जो है तो यहाँ मंजूर रहा ना, मैं कई दिनों कल तक सबके घर में मीटर लग जाएंगे और सबके घर की कनेक्शन, सबके घर के लाइट और सब तार वार सब देखेंगे। अब हम चला था तुमसे विदा लेते हैं, कल का कल वीडियो देखो
ओए तो चला थे भैया, जय हिंद जय भारत जय श्री राम। तुमका अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीनो। चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीनो। तो चलो भैया, जय हिंद जय भारत जय श्री राम।